हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ मेरे बेबी जो सिक्स मंथ्स का है उसके लिए जो मील्स मैं प्रेप करती हूँ और उसका डे रूटीन कैसा रहता है अगर इस टाइप की वीडियोस पे आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली बार जब नोटिफिकेशन आए तब तो आप तुरंत से देख लो तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं बेबी को दूंगी थोड़ा सा तुलसी वाटर अच्छा आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ अभी मेरे बेबी को आर हो गया था जो एक तरीके का कोल्ड वायरस होता है तो उसके लिए आ, अब मैं उसे सुबह थोड़ा तुलसी का पानी देती हूँ और मैंने देखा कि उसे काफ़ी असर पड़ा और वो बहुत जल्दी आर से रिकवर हो गया क्योंकि तुलसी वाटर काफ़ी एंटी इन्फ्लमेटरी भी होता है और सिक्स मंथ्स प्लस जब आप बच्चे को खाना देना शुरू करते हो तो थोड़ा वाटर देना भी हमें स्टार्ट करना पड़ता है कोल्ड कफ़ अगर आपके बेबी को है तो आई हाईली रिकमेंड इसको मैंने छान के बॉटल में भर लिया है अब थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा करके मैं बेबी को सिप कराती रहूँगी एक साथ वो शुरू में बहुत ज़्यादा वाटर नहीं लेते हैं बट दैट्स फाइन एक बार में वो वन टू तो टू टेबल स्पून लेंगे पर आप बॉटल में रखते रहो और थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा करके उसे तुलसी वाटर पर आप सिप कराते रहना तो अब मैं बना रही हूँ बेबी की फ़र्स्ट मील सुबह उठते ही तो उसे बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती है क्योंकि रात को वो मेरे साथ ब्रेस्ट फीड कर लेता है अब जो पहली मील मैं बना रही हूँ ना इसमें जनरली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रहती हैं आज मैं बना रही हूँ कैरेट प्यूरी इसको मैं रिप्लेस कर लेती हूँ कभी एप्पल प्यूरी के साथ कभी पियर की प्यूरी के साथ कभी बनाना प्यूरी के साथ डिपेंड करता है मेरे पास कौन सी वेजिटेबल और फ्रूट है उसके हिसाब से कभी मैं मिल्क ऐड करती हूँ कभी नहीं तो जो एप्पल पियर या खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उन्हें सिर्फ बॉइल करके वाटर के साथ मैं देती हूँ अदरवाइज़ जैसे गाजर है या फिर जैसे बनाना वगैरह है उसमें मैं थोड़ा ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ऐड कर लेती हूँ तो सबसे पहले गाजर को मोटा मोटा काट के हम लोग स्टीम करेंगे अच्छा स्टीम कुछ लोग प्रेशर कुकर में भी करते हैं आई रिकमेंड प्रेशर कुकर में ना करके आप ऐसी कोई स्टीमिंग वेसल ले लो और उसमें आप स्टीम करो इससे फ़ायदा ये होता है कि प्रेशर कुकर में ना कई बार बहुत हाई हीट होती है और न्यूट्रियट्स थोड़े कम हो जाते हैं कैरेट्स थोड़ी हार्ड होती हैं तो इन्हें स्टीम होके सॉफ़्ट होने में करीबन ट्वेंटी मिनट्स लग जाए मीडियम हीट पे एक बार ये मशी हो गई है ना तो मैंने एक मैशर लिया है और इन्हें अच्छे से मैंने मैश कर लिया है अभी बेबी बहुत छोटा है तो उसका जो फूड है ना उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे वो चोक हो सके तो हर चीज बहुत ही अच्छे से मैश्ड और सॉफ्ट होनी चाहिए उसके बाद हल्का सा मैंने घी लिया है और अपनी ये जो गाजर है हल्का सा बस घी में एक बार मैंने रोस्ट कर लिया है उससे ना अच्छा अरोमा भी आता है और थोड़ा सा घी बच्चे की डाइट में होना भी चाहिए फिर धीरे धीरे पानी डाल के और मैंने यहाँ पे ना बॉयल्ड वाटर फिल्टर्ड प्लस बॉइल्ड वाटर यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा इसलिए डाला है क्योंकि अगर एकदम से बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो अंदाज़ा ख़राब हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा ये वाटरी बन सकती हैं तो एक बार जब आपको इसकी कंसिस्टेंसी सही लगे तो आप बस वहीं पर इसको बंद कर देना उसके बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसमें एक स्पून फार्मूला का मिला दिया है अच्छा जो फार्मूला होता है ना फार्मूला पाउडर होता है वो स्टरलाइज नहीं होता है तो इसलिए ना थोड़ा सा उसे वॉम हीट में पकना चाहिए मैंने गैस पे नहीं पकाया है बट हल्का ढक दिया है ताकि थोड़ा सा वो जो आ, हमारा फार्मूला है ना वो थोड़ा सा उसे हीट मिल जाए फॉर्मूला इसलिए डाला है कि उससे ना थोड़ी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है और हल्का सा ना और बेटर टेस्ट आ जाता है हमारे प्यूरे में एंड बेबी को फीड कराने के लिए ना मैं ये बैम्बू स्पून का यूज़ करती हूँ ये बहुत इजी टू होल्ड है और बच्चे के मुंह में भी अच्छे से ये आ जाती हैं एंड ये बेब है ये एक्चुअली मेरे बड़े बेटे के टाइम से चलती हुई आ रही है तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी ड्यूरेबल है ईज़ी वॉश भी हो सकती है इसमें काफ़ी एडजस्ट कर सकते हो नेक के अकॉर्डिंग तो आई रिकमेंड दिस वन इन सब के ना लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको चेक करने हो तो और ये जो एज होती है ना फाइव सिक्स सेवन मंथ्स इसमें बच्चा सॉलिड फूड से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं लेता है बट सिर्फ उसका टेस्ट डेवलप कराने के लिए धीरे धीरे हमें इंट्रोड्यूस करना होता है इस टाइम पर सारे एलर्जेंस जो भी फ़ूड में होते हैं ना उन्हें बच्चों से इंट्रोड्यूस कराओ ताकि आगे जाके उन्हें किसी भी चीज़ से एलर्जी ना हो अच्छा उसके बाद बेबी लेता है अच्छे से मसाज और उसको बात देते हैं बात वग़ैरह ना हम उसे रूम में ही धूप में देते हैं क्योंकि अब थोड़ी ठंड हो गई है और वॉशरूम ठंडे होते हैं फिर थोड़ा सा वाइटामिन डी ड्रॉप्स और जैसे मैं बता रही थी ना थोड़ा कोल्ड था बेबी को तो ये एक नेचुरल चेस्ट रब है जिसमें ना नेचुरल थोड़े असेंशल ऑयल्स टाइप है तो ये आ, विक्स वगैरह को आप इसे रिप्लेस कर सकते हो आए उसके बाद थोड़ा सा वो अपने जिम में खेलता है एंड ये जो मैंने जिम लिया था ना आई हाईली रिकमेंड दिस वन ये इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है ना पहले इसमें लेट के खेलता था अब बैठने लग गया है तो बैठ के इसमें खेलता है तो दिस इज़ अ मस्ट हैव ये आपको बहुत लंबे टाइम तक यूज़ होगा बेबी के साथ स्पेस भी बहुत कम ले लेता है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेबी आइटम्स ना जो मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं अच्छा इसके बाद रायन लेगा नैप और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका डिनर का प्रेप इसमें हम बनाएंगे ओट मील तो इस टाइम पे मैं उसे ग्रेन देती हूँ मैंने उसे ओट्स इंट्रोड्यूस किया है व्हीट इंट्रोड्यूस किया है दलिए की फॉर्म में राइस अभी मैं उसे इंट्रोड्यूस करूँगी जो भी मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ ना ग्रेन वो उसे मैं लगातार तीन दिन देती हूँ ताकि अगर किसी भी चीज़ से बच्चे को कोई एलर्जी डेवलप हो रही है तो वो आपको पता चल जाए और जैसे मैं पहले कह रही थी ना कि इस उम्र में जितने भी कॉमन एलर्जेंस होते हैं जैसे पीनट होता है अलग टाइप के ग्रेन्स दाल हर चीज़ आप इंट्रोड्यूस करा दो ताकि कोई एलर्जी उसे बाद में ना हो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप शुरू में ही करा दोगे तो चांसेस ऑफ एलर्जी, फूड एलर्जी कम हो जाते हैं अच्छा ओट्स ओट, ओट मील बनाने के लिए ना मैंने ओट को रोस्ट करके उसका एक पाउडर बना लिया था ये पाउडर आप शेल्फ़ पर अराउंड वन वीक के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो फिर मैंने उसमें धीरे धीरे वाटर डाल दिया है थोड़ी सी देर ढक के भी पकाया है आपको पता चल जाएगा गाढ़ा होने लग जाएगा सारे ना लम्ब निकाल देना इसमें से तो मैं ना स्पून का यूज़ करती हूँ स्पून से सारे लम्स निकालती रहती हूँ और एक बार हमारा ओटमील रेडी हो गया ना फिर गैस कर दी है मैंने बंद और उसके बाद फिर से इसमें मैंने एक स्पून के करीब फार्मला पाउडर मिक्स कर दिया है और जैसे पहले गैस बंद करके और सिर्फ मैंने इस पर ढक के स्टीम में थोड़ी देर फार्मला पाउडर को छोड़ा था फिर से मैंने वही स्टेप रिपीट है देख लेना कोई लम्स ना हो कभी कभी इसमें लम्ब्स रह भी जाते हैं ना तो आप फिर से मिक्सी में एक बार इसको पीस सकते हो एंड रात को बेबी को ग्रेन देने से फायदा यह भी होता है कि उन्हें बेटर स्लीप आती है इसलिए मैं सुबह फ्रूट या फिर वेजिटेबल और रात को ग्रेन ये यूज करती हूँ टेक्निक फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा ही था कि ये सारे फूड बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं खाता है बहुत ही पेशेंटली आपको थोड़ा थोड़ा सा बस उसे इंट्रोड्यूस करना है मेनली इस टाइम पे जो भी उसे न्यूट्री न्यूट्रिशन मिलेगा वो दूध से ही मिलेगा बी इट ब्रेस्ट मिल्क या फिर बी इट फॉमूला तो बहुत ज़्यादा आपको इस उम्र में सॉलिड uh, पे डिपेंडेंसी नहीं करनी है बस थोड़ा थोड़ा सा उन्हें रोज कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कराते रहना है इसके साथ एंड करती हूँ मैं ये वीडियो आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में मैं और वर्जनस ऑफ वेरी न्यूट्रिशस हेल्दी बेबी रेसिपी शेयर करती रहूँगी और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी कमेंट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन ट और आपसे मिलूंगी मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक केयर एंड बाय